पाठ एक, भाषा और व्याकरण। पिछले सप्ताह गौरव के विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। वहां शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि थे। सभी ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने बोलकर भाषण दिया। सभी ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। गौरव ने मूक अभिनय किया और केवल संकेतों एवं हाव भाव से अपनी बात समझाई। प्रधानाचार्य के पास पुरस्कार दिए जाने वाले छात्रों के नाम पहले से लिखकर रखे हुए थे। प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिए जाने वाले छात्रों के नाम पढ़कर बताए। उन्होंने गौरव के विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में पढ़ा। आइए जानते हैं किसने क्या किया और कैसे किया। मुख्य अतिथि का स्वागत किया ताली बजाकर। मुख्य अतिथि ने भाषण दिया बोलकर। सभी ने भाषण समझा सुनकर। गौरव ने अभिनय में अपनी बात समझाई संकेतों से। छात्रों के नाम रखे थे लिखकर। प्रधानाचार्य ने छात्रों के नाम बताए बोलकर। आपने देखा कि बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर विचार एक दूसरे तक पहुंचे। एक दूसरे तक विचार पहुंचाने के इन साधनों को भाषा कहते हैं। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के रूप। इस प्रकार भाषा के दो रूप बनते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। बच्चे अंताक्षरी खेलते हुए गीत सुना रहे हैं। अंकुर ने अपने मित्र को बुलाया। रंगीन शब्दों से बोध हो रहा है कि बोलकर और सुनकर विचार और भाव प्रकट किए जा रहे हैं। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा। छात्र छात्राओं ने निबंध लिखा। शिक्षिका ने सभी के निबंध पढ़े। रंगीन शब्दों से बोध हो रहा है कि विचार एवं भाव लिखकर प्रकट किए जा रहे हैं और पढ़कर उन्हें समझा जा रहा है। भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। आपने देखा था कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में ताली बजाकर और संकेतों से भी विचार एवं भाव प्रकट किए गए थे। भाषा का यह रूप सांकेतिक भाषा कहलाता है। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। इसी कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं तथा उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। कुछ राज्य और उनकी भाषाएं नीचे दी जा रही हैं। राज्य, भाषा। गुजरात, गुजराती। आंध्र प्रदेश, तेलुगु। उड़ीसा, उड़िया। महाराष्ट्र, मराठी। असम, असमिया। कर्नाटक, कन्नड़। कश्मीर, कश्मीरी। पंजाब, पंजाबी। केरल, मलयालम। राज्यों की तरह हर देश की भी अपनी भाषा होती है। जैसे देश, भाषा। जापान, जापानी। जर्मनी, जर्मन। चीन, चीनी। फ्रांस, फ्रांसीसी। रूस, रूसी। इंग्लैंड, अंग्रेजी। बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। यह भाषा का कम विकसित रूप है जो छोटे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा ही बोली जाती है। बोली का कोई लिखित रूप या साहित्य नहीं होता। भारत में अनेक बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी, कन्नौजी, मारवाड़ी आदि। लिपि। पहले चित्र में अध्यापिका छात्रों को नक्शा दिखाते हुए बोल रही हैं कि यह भारत का मानचित्र है। दूसरे चित्र में अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं मानचित्र। किसी बात को मुंह से बोलना भाषा का मौखिक रूप है। किसी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है।
भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि का होना आवश्यक है। हम जो कुछ बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह निश्चित है। भाषा के मौखिक रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों को हम अपनाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं: हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, नेपाली की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, उर्दू की लिपि फारसी। व्याकरण: बोलते, लिखते और पढ़ते समय ये जानना जरूरी है कि हम भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में कर रहे हैं या नहीं। इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है, जैसे अमित सो रही है, मोहित नाच रही है, किरण ने बोला वह गाता है, नीरज बोला हम खाता है। अमित, नीरज, किरण, मोहित सबने बोलते समय गलतियां की। यह बात हमें किसने बताई कि गलत बोला गया है? यह बात हमने व्याकरण के नियमों से जानी। इन वाक्यों के सही रूप हैं: अमित सो रहा है, मोहित नाच रहा है, किरण ने बोला वह गाती है, नीरज बोला मैं खाता हूँ। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। व्याकरण के विभाग: व्याकरण के मुख्य रूप से चार विभाग हैं। एक, वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग को बताया जाता है। दो, शब्द विचार। इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों, उनके भेदों पर विचार होता है। तीन, पद विचार। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात आदि पदों के स्वरूप और प्रयोग पर विचार किया जाता है। चार, वाक्य विचार। इसमें वाक्य की रचना के नियम सिखाए जाते हैं। आओ दोहराएं। बातों को बोलना सुनना भाषा कहलाता है। मौखिक रूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों को हम अपनाते हैं वे लिपि कहलाते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है।